मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता तो मेरे बुजुर्गो और जगत जननी और जिस बच्चे के जरा से अपने पैतृक किसी काटा में रखा है तो एक समझ निकलता है माँ, मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे विद्वान साथियों, जब माँ का बहन का अपने काका का आशीर्वाद हो तो बालक कभी नहीं हार सकता। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। और एक और बात, ये तू तो बेटा बना दिया हमने रखो ना पूरे गांव में जो मान सम्मान इज्जत फैक्ट्रियों के काफले से डीजे से पुष्प वर्षा धन वर्षा और अपने आशीर्वाद की वर्षा अपने बेटे अपने भाई पे की है। मैं अपने काकाओं का अपने परिवार के चरणों में अपनी माता शक्ति के श्री जुड़ा के आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और आज जो हमारे सारे सीनियर नेता हमारे पार्टी के वहां हैं उन सब की तरफ से भी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और मेरी माता शक्ति सारे अरे भाई कब बैठियो भाई पीछे तब ले ली करिए आ जाओ आज मेरे से पूर्व वक्ताओं में शायद भाई सबसे ज्यादा भाई संदीप चुने जो किसान नेता है जिन्होंने उस समय किसान आंदोलन में जो संघर्ष किया तो किसान कौम को मजबूती से उसकी रक्षा की और उस भाई ने कई बार जेल में भी उनकी तबीयत खराब हो गया अचानक तो वो आज हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका भी स्वागत हमारी बहन से ये हमारी बहन भी आई है अपने भाई के लिए। मैं अपनी बहन का भी स्वागत धन्यवाद करता हूँ। हमारे पूर्व में चेयरमैन रहे भाई सतवीर पहलवान जी नौकरी से मेरे भाई है मेरे सदस्य के साथी है वो भी आए हैं। उनका भी जो बाहर से है उनका मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ क्योंकि अपने और मेरे सारे सम्मानित साथी हैं जो 10 साल का कुशासन का राज चला और मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो कि 10 साल पहले जब आपकी सरकार बनी 2005 में 2005 से 2010 तक आपके बेटे आपके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारे इलाके में कितना भला किया कितना हारा क्या आप सब ने पता है। और उससे पहले चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे किसी और दल की सरकार रही हो मैं किसी आदमी ने हमारे इलाके का विकास नहीं किया। हमारा भला सिर्फ और सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया और इसके अलावा हमारा भला किसी ने नहीं किया। लोगों ने ये हमारी बहन बैठे फिर होकर की ऐसी बात की अरे भाई राज को आता सी विशाल शिक्षा वालों ने उनसे जाकर पूछो राजकोया भिवानी वालों ने उनसे जाकर पूछो राजकोया खुमाई गांव वालों ने पादरी हल्के ने और जिला झज्जर रोते ने हमारे से पूछो इस राज में मजे थे या अपने राज में मजे थे तो एक ही बात है काफी भाइयों देखो मैं तो उस दिन दुनिया के बाद इतना बड़ा आशीर्वाद जिस दिन टिकट लेके आए और मेरी माता शक्ति मेरी बहन मेरे भाई मेरे काका ताऊ जो 2 बजे से लेके और 6 बजे तक बारिश में भीजते रहे और उस दिन मैं अंदर से इतनी खुशी की आंसू मेरे से निकल रही थी और वो जो प्यार आशीर्वाद मेरे काका का वो का मेरा मैं आपको एक वचन देता हूँ जो इज्जत की पगड़ी आपने बेटे के सिर पर बांध ली माँ से बड़ा मैं कहता हूँ माँ से माँ बाप से बड़ा कोई देवता नहीं होता। मैं किसी को नहीं मानता भगवान बाद में आता है सबसे पहले अपने माँ बाप से अपने माँ मेरी बहन मेरे काका तो सामने
वचन देता हूँ, सारा खून हूँ, सारा बेटा हूँ। जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जो इज्जत की पगड़ी पे कभी लाल चढ़ाता हूँ। और राजनीतिक में लोग आते हैं जाते रहते हैं, जाते रह जाते हैं। ईमानदारी से कभी कोई एक व्यक्ति आपके बेटे के बारे में ये शब्द कह दे कि तुम्हारे बेटे ने किसी के 5 पैसे खाए हैं, तो मेरे का कहता हूँ मेरी माता शक्ति आपका जूता होगा, मेरा सिर होगा। जहां इलाके के रोजगार की बात है, मेरा गांव है तुम्हारी, 10 साल तक आपने मेरे को बहुत कुछ दिया है और दोनों बार तुम्हारी गांव ने मुझे आशीर्वाद देके बढ़िया वोटों से और हर चीज से, रैली हो, इलेक्शन हो, मेरे सारे युवा साथी सारी मेरी माता शक्ति मेरा साथ दिया। अब मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, आपके गांव के सरपंच साहब भी खड़े हैं और जो लड़े हैं सब सारे नंबरदार पंच, पूरा गांव खड़ा है, आपका राज होगा। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, अगर कुमारी गांव में एक काम भी पेंडिंग रहेगा तो उसका गुणागर में मेरे कान पकड़ेगा, ग्रांट मैं दूंगा आपका सरपंच साहब, क्योंकि पंचायत जब बन जाती है तो गांव का सरपंच मुखिया हो जाता है। गांव राम मुझे काम देता थक जाएगा, मैं ग्रांट देखता, मैं और दीपेंद्र जी नहीं थकेंगे, आप हमारा विश्वास रखना। जहां दूसरी बात रोजगार की बात है, आपको एक विश्वास दिलाते हैं ईमानदारी से और पूर्ण रूप से अपने इलाके में अपने कुमाई गांव के चाहे 20 बच्चों की रोजगार की बात आएगी, इसका अपने गांव का 20 नौकरी चाहेगी तो 20 की 20 कुमाई गांव की लगेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और ईमानदारी से इस प्रकार से बढ़िया तरीके से आपकी राय मशवरा लेके और आपका कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा, एक बात आपको भी खुद भी कह रहा हूँ, मेरे सारे साथी मैं अपने पूरे गांव के युवा साथियों को बधाई देता हूँ, हमारे सारे साथी सक्षम हैं और गांव की सेवा में भी लगे रहते हैं। मैं एक चीज जरूर कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है आप लोगों को तसल्ली नहीं होती कि भाई बगैर पैसे काम नहीं होता, मैं बता रहा हूँ ये आदत है लोगों की खराब। ये आपका बेटा आपको वचन देता है किसी को एक पैसा मत देना मेरे नाम से, विधान कर लेना, मैं जो करूंगा मैं क्या कहता हूँ तो विश्वास के साथ कहता हूँ, सारे लोगों का फ्री में काम होगा, कोई बात होगी आपने किसी से भी ना दबने की जरूरत, ना थकने की जरूरत, ना झुकने की जरूरत, सच्चाई के रास्ते पर चलना है और अच्छे काम करना है। और क्या कहता हूँ मेरे को तो भगवान ने आपके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन दिया है, मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा, मैंने 10 बार मौत को नजदीक से देखा है, मेरा परिवार है, मैं ये बचा जीवन से जितना जीवन भगवान देगा मेरी एक मेरी कोशिश रहेगी, मैं अपने काका तरुओं का जितनी मेरे इलाके की सेवा उसके मैं अपनी सेवा करूंगा। और मेरे साथी जो खड़े हैं सारे ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे, मेरे सारे साथी, हमारा साथी जो भी हमारे साथी है, कोई और क्रिया नहीं है, मेरे जितने साथी, मेरे साथी मजबूत हैं और मैं भी अपने साथियों को भी मजबूत करूंगा, ये नहीं अपने साथियों को कमजोर छोड़ दूंगा, अपने साथियों को भी मजबूत करूंगा और मेरे साथी सारे अपने गांव को इलाके को बाकी हल्के को मजबूत मेरे साथी करेंगे, मैं अपने साथियों को साथ लेकर चलूंगा। और लास्ट में संदीप ने सारी बात बता दी थी, किसान के साथ क्या हुआ, मजदूर के साथ क्या हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ, महिला कोच के साथ क्या हुआ, आप सब बिल्कुल भरी बात इस चीज से वाकिफ हो, तो मैं तो आपने सबने देखा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार का भी आपने देखा, आप सबको पता है कि डंकी के माध्यम से गांव में हमारी पर गलत रस्ते से हमारे बच्चों को विदेश में जाना मजबूरन पड़ा पड़ा, क्योंकि हमारे इलाके में विकास कशोरी रोजगार नहीं है। और लास्ट में मैं अपने क्या कहता हूँ, जो हुडा साहब का फैसला हुआ है 25 लाख रुपए तक का इलाज
हर व्यक्ति का मुफ्त होगा, वैसा की घोषणा है। 2000 रुपए जो हमारे सरपंच साहब बता रहे थे, नारी शक्ति के नाम से एक योजना चलाई, 2000 रुपए हर महीने तक देसी आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और 6000 पेंशन ताई की, 6000 पेंशन ताऊ की, 6000 विधवा की, 6000 विकलांग की, ये पेंशन भी उड़ा साफ करेंगे। और जो हमारे गरीब परिवार है उनको 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का बढ़िया मकान बना के पूरा सरकार देगी। किसान को MSP की गारंटी मिलेगी, 300 यूनिट आपने बिजली की फ्री मिलेगी, कोई भी बिल नहीं होगा। और उसके साथ साथ युवाओं को 2 लाख युवाओं के पद खाली पड़े हैं, उनको रोजगार देने का काम पूरा सरकार करेगी। हमारे जो चौकीदार हैं, मनरेगा मैट के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको एक कलम से हुड़ा साहब आते ही उनको भी पक्का करेंगे। 500 रुपए में आपका गैस सिलेंडर होगा, जो आप 1200 रुपए में भरवाते हो, भरवाते हो 1200 1500 भी होगा। और इसके अलावा सारी चीज होगी है, औरतों का कहता वो मात्र शक्ति खड़ी है। वैसे तो आपने सारी मेरी मेरिट बढ़ाई है, पर देखो एक बात है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूं भाई, हमारे साथी एक बात कह रहे थे, कह रहे जी धनखड़ साहब ने ओम प्रकाश जी ने 40 MLA तार दिए और दिल्ली की फोर्स सारे डाल दिए, राजस्थान में सब कुछ है भाई, 16-17 सांसद कदे राजनाथ आ रहा है, कदे योगी आ रहा है, कदे कोई आ रहा है। तो मैं एक चीज पूछू भाई, आप सारे तगड़े हो ना, काकी भाई सारी तगड़ी हो ना, भाई मैं कह रहा था मगर भाई ये तो 40 MLA तारे हैं, भाई जिसका घर मजबूत हो इस पर माँ का बहन का काका दवों का आशीर्वाद हो और मेरे युवाओं का साथ हो, तो भाई ये तो थोड़े ये तो 500 बिताते जो भी हमके तुम काबू नहीं आते नहीं। तो आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, आपको आपके वचन देता हूँ, थारा बेटा थारा खून, मेरा मेरे खून का एक एक कतरा इस कुमारी गांव पे समर्पित है, बांदी हल्के पे समर्पित है, ये तुम्हारा बेटा तुम्हारी शान को बढ़ाएगा, कभी भी गिराने की बात नहीं करेगा। और अब पेपर में तो मैंने पता कुमारी गांव ने मेरी बढ़ा की, बढ़ा लोगे 5 तारीख ने, 5 की वोटिंग है, वोटिंग है, निशान नंबर 2 है सुशील का, और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। एक बात कह रहा हूँ आपको, या तो 10 तारीख या 14 तारीख इस प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। और भाई हमारे इलाके में हम आपको बता दूं, हमारे इलाके में सारे साथियों से कह रहा हूँ, एक RTO नाम की बीमारी बहुत घूमती है, एक माइनिंग वाले बहुत घूम रहे हैं, एक बिजली के छापे वाले बहुत घूम रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश जी ने कसम खाई थी कि बादली का तेल काटूंगा, कैसे काटूं भाई, वैसे नहीं तो भाई वैसे निकाल दूं। और एक बात जरूर कह रहा हूँ आज आपको, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 10 को या 14 को मुख्यमंत्री की शपथ होगी, और आपको वचन दे आपका बेटा ये बिजली वाले, ये RTO और ये माइनिंग वाले अगर बात नहीं की सीमा में भी नीचे तो ठीक है ना। और पति पक्की 100 की 100 पक्की, पति 100 की 100 पक्की, ठीक है ना। इनका ऐसा सुनो भाई, इनका बता दो कोई बात नहीं, बता देगा। अरे सुनो सुन लो, ऐसा है भाई सुन लो, ऐसा सुन लो भाई सुन लो, अरे सुनो मैं बताती हूँ बात, सुन लो भाई, अगर ये मेरा ठीक है ना,
जैसे पादरी का हाल होता है साल बनाते उसी तरह। और यही बात ये हम बताओगे मारा राज आ रहा है, मारा राज आ रहा है, मारा राज आ रहा है। रुक जा भाई, मारा राज आ रहा है, सुन ले। हम बताएंगे भाई, तब मत बोलो, मैं तुम्हारा जवाब इसे। अरे सुन ले, तब मत बोलो, मारा राज आ रहा है भाई। हम बताओगे कैसे विकास कार्य होते हैं और कैसे इलाका का सम्मान होता है। पूछा उसको हम प्रकाश जी से जाके जब किसान था और जब किसान पिटला था तो कहा था, बहन बेटिया पिट रही थी तो कहा था। और सुन मैं कह रहा हूँ आपको, ये बादली की जनता बंदर की हार बढ़ा के बादली से बेचे चिंता ना कर, और कैसी चिंता ना कर, हम इंसान की जानी नहीं रह पाते। आप सबका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे मेरे से मिल लिया अकेला, कोई बात नहीं है, ठीक है। और चिंता ना करो, ये सुनो ये क्या कर रहे हैं कल ढाकड़ा गांव में, क्या किया सुनो, ढाकड़ा गांव में क्या किया इन्होंने। एक हमारा साथी था, और सुन लिया पूछा दिया ओम प्रकाश से, पूछा दिया बात तेरे को कह रहा हूँ, सुन क्या किया भाई ढाकड़ा में। सुखते हुए आदमी को बेचारा गरीब आदमी को लठों से मारा, रात को एडमिट। और कोई दिक्कत नहीं है, मत भय मानना किसी से, हमें अमन चैन भाईचारा चाहिए। अब अमन चैन भाईचारा की बात करते, जय हिंद, जय भारत, जय तुम्हारी गांव की।